दोस्तों अभी आपने देखा कि किस तरह से देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बीते और उनके नतीजे भी हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हारने वाली पार्टी ने ईवीएम से छेड़छाड़ और काउंटिंग में गलतियों की बात करनी शुरू कर दी है और सपा ने काम गिनती से पहले ही शुरू कर दिया था। अब ये बात कितनी सही और कितनी गलत है इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन देगा। लेकिन यहाँ मन में एक सवाल तो जरूर आता है कि ये पूरा इलेक्शन प्रोसेस काम कैसे करता है और किस तरह से वोटों की गिनती और रुझान की प्रक्रिया को न्यूज चैनलों पर दिखाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी चुनावी सवाल को आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस। सबसे पहले वोटिंग प्रोसेस से शुरू करते हैं। तो अभी हमारे देश में 2 तरह से वोटिंग करवाई जाती है, जिसमें पहला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से और दूसरा पोस्टल बैलेट। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम यानी ईवीएम का गेम तो बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें वोटर वोट करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचकर ही वोट डालते हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि ईवीएम के बगल में ही एक वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट बॉक्स रखा होता है, जो कि कांच के शीशे से पूरी तरह ढका होता है। शीशा ट्रांसपेरेंट होता है। जब भी वोटर ईवीएम मशीन में अपने पसंदीदा कैंडिडेट के सामने वाली बटन दबाता है तो वीवीपैट मशीन से एक पर्ची निकलती है जो सिर्फ 7 सेकंड तक ही दिखाई देती है। इस पर उस उम्मीदवार का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह छपा होता है जिसे वोटर ने वोट दिया होता है। इसके बाद ये बॉक्स में गिर जाती है। देश में ईवीएम से पहले पेपर बैलेट की मदद से वोट डाले जाते थे, जिसके बारे में आपने देखा और सुना ही होगा। लेकिन अगर ईवीएम की बात करें तो चुनाव आयोग ने पहली बार 1977 में ईवीएम से चुनाव कराने के बारे में सोचा था। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ECIL को डिजाइन ईवीएम मशीन को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके बाद साल 1979 में पहली बार ईवीएम का एक मॉडल तैयार किया गया और चुनाव आयोग ने 6 अगस्त 1980 को राजनीतिक दलों के सामने इसकी प्रेजेंटेशन की। राजनीतिक दलों को जब ये मशीन पसंद आ गई तो इसके बाद ईवीएम को बनाने का काम ECIL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL को दिया गया। इसके बाद सबसे पहले मई 1982 में केरल में आम चुनाव के दौरान ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। हालांकि तब तक ईवीएम से चुनाव कराने का कोई कानून नहीं था, जिसके बाद 1989 में संसद में चुनावों में ईवीएम के उपयोग के लिए कानून बनाया गया। ईवीएम से चुनाव कराने पर आम सहमति 1998 में बनी, जिसके बाद एक्सपेरिमेंट के तौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों पर ईवीएम से चुनाव कराए गए। 1999 में 45 लोकसभा सीटों पर और फिर फरवरी 2000 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में 45 विधानसभा सीटों पर ईवीएम से चुनाव हुए। जब इन सभी जगहों से पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुए तो फिर 2001 में पहली बार तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में सभी विधानसभा सीटों पर ईवीएम से चुनाव कराए गए। इसके बाद से ही सभी चुनाव के लिए ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है। 2004 के लोकसभा चुनाव में देश की सभी 543 सीटों पर ईवीएम से चुनाव हुए थे और उस दौर में ईवीएम की संख्या 10 लाख से अधिक थी। इसके अलावा अगर दूसरे प्रोसेस यानी पोस्टल बैलेट की बात करें तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वोटिंग डाक के जरिए किया जाता है। पोस्टल बैलेट एक डाक मत पत्र होता है। ये 80 के दशक में चलने वाले पेपर बैलेट पेपर की तरह होता है। चुनावों में इसका इस्तेमाल उन लोगों द्वारा किया जाता है जो अपनी नौकरी के कारण अपने चुनाव क्षेत्र में मतदान नहीं कर पाते। जब ये लोग पोस्टल की मदद से वोट डालते हैं तो इन्हें सर्विस वोटर्स या एब्सेंटी वोटर्स भी कहा जाता है। चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट से वोट देने का अधिकार कुछ ही लोगों को दिया हुआ है, जिसमें सेना में काम कर रहे सैनिक, अर्धसैनिक बल, चुनाव के काम में लगे हुए कर्मचारी और विदेशों में रहने वाले भारतीय अधिकारी। पोस्टल बैलेट में मतदाता को इसके लिए चुनाव आयोग से मिले फॉर्म 13B में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने एक क्रॉस या सही का निशान लगाकर अपना वोट डालना होता है। फिर वही निशान लगाकर पेपर को छोटे लिफाफे के अंदर डालकर उस लिफाफे को बंद कर दिया जाता है। इस लिफाफे पर फॉर्म 13B का लेबल भी चिपका दिया जाता है। उस पर साइन करके चुनाव अधिकारी से भी ऑथराइज करवाया जाता है। पोस्टल बैलेट से वोट डालने वाला वोटर निर्धारित प्रारूप में अपना बैलेट डाक के जरिए या सीधे संबंधित जिले के रिटर्निंग ऑफिसर तक भेजता है। रिटर्निंग ऑफिसर उस बंद लिफाफे को बिना खोले मतपेटियों में रख देता है। मतपेटी को निर्धारित समय पर मतगणना स्थल पर बने स्ट्रांग रूम में जमा कर दिया जाता है। फिर ये मतगणना वाले दिन ही खुलता है। तो ये तो हो गए दोनों प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी। अब आइए आपको बताते हैं कि मतगणना के दिन दोनों तरीके से पड़े वोटों की गिनती आखिर कैसे होती है। मतदान खत्म होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग ऑफिसर ईवीएम को मतगणना केंद्र पर बने स्ट्रांग रूम मतगणना वाले दिन अलग अलग चरण में मतों की गिनती होती है। हर चरण में 14 ईवीएम खोली जाती है। आमतौर पर एक बूथ पर एक ईवीएम मशीन लगी होती है।
और हर बूथ को करीब 1200 वोटर्स के लिए बनाया जाता है। 60% से 70% वोटिंग के हिसाब से हर बूथ पर 750 से 850 वोट पड़ते हैं। इस हिसाब से हर राउंड में 14 ईवीएम से करीब 10,000 से लेकर 12,000 वोट गिने जाते हैं। चूंकि एक राउंड में चुनाव आयोग 10 से 12,000 वोट ही गिन सकता है, इसलिए चुनाव आयोग ने हर राउंड में 14 ईवीएम के वोट गिनने की पॉलिसी बनाई हुई है। काउंटिंग हॉल में बांस और लकड़ी के बल्लियों से घेर कर चारों ओर एक बैरिकेडिंग बनाई जाती है, जिसके अंदर 14-14 टेबल लगे होते हैं। हर टेबल पर एक ईवीएम मशीन के वोट गिने जाते हैं। इस बैरिकेडिंग में एक तरफ ब्लैक बोर्ड होता है। हर राउंड की गिनती के बाद सभी प्रत्याशियों को मिले वोटों को इसी ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है। एक बूथ की ईवीएम मशीन को एक टेबल पर रखा जाता है। किस टेबल पर किस बूथ की मशीन रखी जाएगी, इसके लिए पहले से एक चार्ट तैयार कर लिया जाता है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होती है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती है। पोस्टल बैलेट के 30 मिनट बाद ईवीएम की गिनती होती है। ईवीएम मशीन में एक बटन होती है जिसे रिजल्ट 1 कहते हैं। रिजल्ट 1 को दबाते ही पता चल जाता है कि किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले। इस पूरे प्रोसेस के लिए 2 से 3 मिनट का समय मिलता है, जिसे साथ ही साथ डिस्प्ले बोर्ड पर भी फ्लैश किया जाता है, ताकि सभी 14 टेबल पर बैठे चुनाव कर्मी और उम्मीदवार के एजेंट इस काउंटिंग को देख लें। इसी को हम रुझान कहते हैं, जो न्यूज चैनल के लोग हमें दिखाते रहते हैं। सभी 14 टेबल पर मौजूद मतगणना कर्मी हर राउंड में फॉर्म 17C भरकर एजेंट से हस्ताक्षर के बाद आरओ को देते हैं। आरओ हर राउंड में वोट की गिनती नोट करता है। इसके अलावा नतीजे को हर राउंड के बाद ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा जाता है और लाउड स्पीकर की मदद से घोषणा की जाती है। पहले चरण की गिनती पूरे होने के बाद चुनाव अधिकारी 2 मिनट का इंतजार करता है, ताकि किसी उम्मीदवार को कोई दिक्कत हो तो अपनी शिकायत दर्ज करा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि एक राउंड की वोटिंग तभी खत्म होती है जब सारे उम्मीदवारों की तरफ से यह मान लिया जाता है कि काउंटिंग सही है। लेकिन अगर कोई उम्मीदवार शिकायत दर्ज करवाता है तो ये रिटर्निंग ऑफिसर पर निर्भर करता है कि वो फिर से वोटों की गिनती करवाना चाहता है या फिर वो उस उम्मीदवार को किसी तरह समझाए कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। हर राउंड के बाद रिजल्ट के बारे में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर सूचना देते रहते हैं। लेकिन अगर ईवीएम मशीन से डिस्प्ले हुए रिजल्ट में किसी को बहुत ज्यादा आपत्ति होती है और विवाद की स्थिति बनती है, तो ऐसे में काम आता है वीवीपैट बॉक्स, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि जो ईवीएम मशीन के बगल में लगा रहता है और जिसमें ईवीएम में बटन दबाने के बाद उस उम्मीदवार के नाम की पर्ची गिर जाती है। ईवीएम पर विवाद की स्थिति में उन्हीं पर्चियों को गिना जाता है, और अगर ईवीएम पर शो होने वाले रिजल्ट और वीवीपैट की पर्चियों की संख्या एक बराबर नहीं आती है, तो ऐसी स्थिति में उस बूथ की वोटिंग को रद्द करवा देते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि ईवीएम का पूरा प्रोसेस कई लेवल की सिक्योरिटी से होकर गुजरता है, जिसमें किसी भी तरीके से धांधली होना लगभग नामुमकिन है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।